ओम शांति। आज 22 अक्टूबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे बच्चे ये पाठशाला है, जहां सुप्रीम टीचर आकर तुम्हें पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट है और बाबा आकर हम बच्चों को सच्ची गीता सुनाते हैं। बाबा कहे दुनिया में गीता पाठशालाएं होती है, लेकिन वहां पुस्तक उठा करके पढ़ाते हैं। यहां बाबा कोई पुस्तक उठा करके नहीं पढ़ाते हैं। बाबा की पढ़ाई बहुत ऊंचे से ऊंची है। साथ ही बाबा कहे वहां कोई एम ऑब्जेक्ट भी नहीं है। दूसरी बात बाबा कहे, इस पढ़ाई में कोई रिद्धि सिद्धि की बात नहीं है। ये छु मंत्र कर दिया और छु मंत्र से काम चल गया, पढ़ाई हो गई, नहीं। बाबा कहे पढ़ाई में कभी छु मंत्र की बातें नहीं होती है। इस पढ़ाई से बाबा हम बच्चों को ऊंच से ऊंच देवी देवता बनाते हैं। बाबा कहे देवताएं बहुत अकलमंद थे। क्यों? बाबा कहे तभी तो वो पूजनीय होते हैं, सभी उनकी पूजा करते हैं। इस पढ़ाई से ही वो वर्थ पाउंड बन गए, बाकी दुनिया के मनुष्य वर्थ नॉट अ पेनी है, तो उन्हें अकलमंद कैसे कहेंगे। इसीलिए बाबा कहे बाबा आकर तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं अच्छे से उसको पढ़नी है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो नॉलेज पढ़ाते हैं इसमें रिद्धि सिद्धि की बात नहीं। पढ़ाई में कोई छू मंत्र से काम नहीं चलता है। आज की मुरली से प्रश्न है, देवताओं को अकलमंद कहेंगे, मनुष्य को नहीं। क्यों? उत्तर, क्योंकि देवताएं हैं सर्वगुण संपन्न और मनुष्य में कोई गुण भी नहीं है। बाबा कहे मनुष्य में कोई भी गुण नहीं है। देवताएं अकलमंद है तब तो मनुष्य उनकी पूजा करते हैं, उनकी बैटरी चार्ज्ड है, इसलिए उन्हें वर्थ पाउंड कहा जाता है। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, वर्थ नॉट ए पेनी बन जाते हैं, तब कहेंगे बेअकल है। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है कि यह पाठशाला है, यह पढ़ाई है, इस पढ़ाई से ये पद प्राप्त होता है। एम ऑब्जेक्ट भी क्लियर है, इनको स्कूल या यूनिवर्सिटी समझना चाहिए। यहां दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं। क्या पढ़ने आते हैं? यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, हम पढ़ाई पढ़ने के लिए आते हैं। पढ़ाने वाले को टीचर कहा जाता है। हम आते ही है यहां पढ़ाई पढ़ने, और पढ़ाने वाले को टीचर कहा जाता है। भगवान वाच है भी गीता, दूसरी कोई बात नहीं है। गीता पढ़ाने वाले का पुस्तक है। उन गीता पाठशालाओं में पढ़ाने वाले के पास भी पुस्तक है, परंतु पुस्तक आदि कोई पढ़ाते नहीं है। गीता कोई हाथ में नहीं है, यह तो भगवान वाच है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता, भगवान ऊंचते ऊंच है। एक मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह है सारी यूनिवर्स। सारा यूनिवर्स में तीन लोक आ जाते हैं। खेल कोई सूक्ष्म वतन व मूल वतन में नहीं चलता है, नाटक यहां ही चलता है। 84 का चक्र भी यहां है, इनको ही कहा जाता है 84 के चक्र का नाटक। बाबा कहे इनको ही कहा जाता है
84 के चक्र का नाटक, ये बना बनाया खेल है। यह बड़ी समझने की बातें हैं, क्योंकि ऊंचते ऊंच भगवान उनकी तुमको मत मिलती है। इसलिए बाबा कहे, एक एक बात अच्छी तरह समझने की है, क्योंकि इसमें मत देने वाला ऊंचते ऊंच भगवान है। दूसरी तो कोई वस्तु है नहीं, एक को ही कहा जाता है सर्वशक्तिमान, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। अथॉरिटी का भी अर्थ खुद समझाते हैं बाबा, खुद हमें अथॉरिटी का भी अर्थ समझाते हैं। ये मनुष्य नहीं समझते, क्योंकि वह सब है तमो प्रधान। इसको कहा ही जाता है कलयुग, ऐसे नहीं कि कोई के लिए कलयुग है, कोई के लिए सतयुग है, कोई के लिए त्रेता है, नहीं। जबकि अभी है ही नर्क, तो कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कह सकता कि हमारे लिए स्वर्ग है, क्योंकि हमारे पास धन दौलत है। कई लोग समझते हैं ना दुनिया में यही स्वर्ग है, यही नर्क है। जिनके पास धन दौलत आदि है, सुख सुविधा के साधन है, वो स्वर्ग में है, और जिनके पास कुछ नहीं है वो नरक में है। बाबा कहे, ऐसे कभी हो नहीं सकता। जब दुनिया ही तमो प्रधान है तो सबके लिए नरक ही कहेंगे। अभी है नरक, तो कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कह सकता कि हमारे लिए स्वर्ग है, क्योंकि हमारे पास धन दौलत है। यह हो नहीं सकता, यह तो बना बनाया खेल है। सतयुग पास्ट हो गया, इस समय तो हो भी नहीं सकता। यह सब समझने की बातें हैं। बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। सतयुग में इनका राज्य था, भारतवासी उस समय सतयुगी कहलाते थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो भारतवासी उस समय सतयुगी कहलाते थे, अभी जरूर कलयुगी कहलाएंगे। सतयुगी थे तो उनको स्वर्ग कहा जाता था, ऐसे नहीं कि नरक को भी स्वर्ग कहेंगे। मनुष्य की तो अपनी अपनी मत है, दुनिया में गाइड करने वाला कोई है नहीं, तो मनुष्य की तो अपनी अपनी मत है। धन का सुख है तो अपने को स्वर्ग में समझते हैं, मेरे पास तो बहुत संपत्ति है इसलिए मैं स्वर्ग में हूं। परंतु विवेक कहता है कि नहीं, यह तो है ही नरक। भल किसके पास 10-20 लाख हो, परंतु यह है ही रोगी दुनिया। सतयुग को कहेंगे निरोगी दुनिया। दुनिया यही है, सतयुग में इनको योगी दुनिया कहेंगे, कलयुग को भोगी दुनिया कहेंगे। बाबा कहे, सतयुग में इनको योगी दुनिया कहेंगे। भले वहां योग लगाने वाले नहीं होते देवताएं, लेकिन योग से ऐसे बने हैं, इसलिए उस दुनिया को भी कहा जाता है योगी दुनिया। तो सतयुग में इनको योगी दुनिया कहेंगे, कलयुग को भोगी दुनिया कहा जाता है, क्योंकि सब भोग विलास में है। वहां है योगी, क्योंकि विकार का भोग विलास नहीं होता, योग बल के प्रयोग से पैदा हुए, इसलिए उसको योगी दुनिया कहा जाता। बाकी ऐसे नहीं वहां कोई बाबा के साथ योग लगाते हैं, योग से पैदाइश है। तो यह स्कूल है, इसमें शक्ति की बात नहीं। टीचर शक्ति दिखलाते हैं क्या? एम ऑब्जेक्ट रहता है, हम फलाना बनेंगे। तुम इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनते हो, ऐसे नहीं कोई जादू छु मंत्र व रिद्धि सिद्धि की बात है। यह तो स्कूल है, स्कूल में रिद्धि सिद्धि की बात होती ही नहीं है। बाबा कहे, दुनिया में भी कोई स्कूल हो, स्कूल में रिद्धि सिद्धि की बात होती है क्या? पढ़कर कोई डॉक्टर कोई बैरिस्टर बनता है। यह लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य है, परंतु पवित्र थे,
इसलिए उन्हों को देवी देवता कहा जाता है। पवित्र जरूर बनना है, यह ही पतित पुरानी दुनिया। मनुष्य तो समझते हैं पुरानी दुनिया होने में लाखों वर्ष पड़े हैं, अभी तो शुरुआत है, पुरानी दुनिया होने में तो लाखों वर्ष पड़े हैं। कलयुग के बाद ही सतयुग आएगा, अभी तुम हो संगम पर, इस संगम का किसको भी पता नहीं है। सतयुग को लाखों वर्ष दे देते हैं, यह बातें बाप आकर समझाते हैं। उनको कहा जाता है सुप्रीम सोल, आत्माओं के बाप को बाबा कहेंगे, दूसरा कोई नाम होता नहीं। बाबा का नाम है शिव, शिव के मंदिर में भी जाते हैं। परमात्मा शिव को निराकार ही कहा जाता है, उनका मनुष्य शरीर नहीं है। तुम आत्माएं यहां पाठ बजाने आती हो तब तुमको मनुष्य शरीर मिलता है, वह है शिव, तुम हो शालिग्राम। शिव और शालिग्राम की पूजा भी होती है क्योंकि चैतन्य होकर के गए हैं, कुछ करके गए हैं। शालिग्राम और शिव कुछ करके गए हैं तब तो उनका नामाचार गाया जाता है। शिव के साथ शालिग्रामों की पूजा होती है, बाबा कहे जरूर कुछ करके गए हैं, तब तो इनका नामाचार गाया जाता है अथवा पूजे जाते हैं। आगे जन्म का तो किसको पता नहीं है, इस जन्म में तो गायन करते हैं, देवी देवताओं को पूजते हैं, इस जन्म में तो बहुत लीडर्स भी बन गए हैं, इस जन्म में देखो तो बहुत लीडर्स भी बन गए हैं, जो अच्छे अच्छे साधु संत आदि होकर गए हैं, उनकी स्टैंप भी बनाते हैं नामाचार के लिए। यहां फिर सबसे बड़ा नाम किसका गाया जाए, सबसे बड़े ते बड़ा कौन है, ऊंचते ऊंच एक भगवान ही है, वह है निराकार और उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। देवताओं की महिमा अलग है, मनुष्य की अलग है। मनुष्य को देवता नहीं कह सकते हैं। देवताओं में सर्वगुण थे, लक्ष्मी नारायण होकर गए हैं ना, वे पवित्र थे, विश्व के मालिक थे, उनकी पूजा भी करते हैं क्योंकि पवित्र पूज्य है, अपवित्र को पूज्य नहीं कहेंगे। अपवित्र सदैव पवित्र को पूजते हैं, हमेशा ऐसा होता है, अपवित्र हमेशा पवित्र को पूजते हैं। कन्या पवित्र है तो पूजी जाती है, पतित बनती है तो सबको पांव पड़ना पड़ता है। इस समय सब है पतित, सतयुग में सब पावन थे, वह ही पवित्र दुनिया। कलयुग है पतित दुनिया, तब ही पतित पावन को बुलाते हैं। बाबा कहे पतित दुनिया है तब ही पतित पावन बाप को बुलाते हैं, जब पवित्र है तब नहीं बुलाते हैं। बाबा का भी उलहना है कि जब पवित्र है तो पवित्र दुनिया में नहीं बुलाते हैं। बाप खुद कहते हैं मुझे सुख में कोई भी याद नहीं करते हैं। भारत की ही बात है, बाप आते भी भारत में है, भारत ही इस समय पतित बना है, भारत ही पावन था। पावन देवताओं को देखना हो तो जाकर मंदिरों में देखो, बाबा कहे पावन कितने थे वो देखना है तो मंदिरों में जाकर देखो। देवताएं सब है पावन, उसमें जो मुख्य मुख्य हेड है लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता बाबा के, उसमें भी जो मुख्य मुख्य हेड है उन्हों को मंदिरों में दिखाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में सब पावन थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा, इस समय सब पतित है, सब पुकारते रहते हैं। क्या पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ। सन्यासी कभी श्री कृष्ण को भगवान व ब्रह्म नहीं समझते, न मानेंगे,
सन्यासी कभी भी श्री कृष्ण को भगवान व ब्रह्म नहीं मानेंगे। वह समझते हैं भगवान तो निराकार है, उनका चित्र भी निराकार तरीके से पूजा जाता है। शिव बाबा का चित्र भी निराकार तरीके से शिवलिंग के रूप में ही पूजा जाता है। उनका एक्यूरेट नाम शिव है। तुम आत्मा जब यहां आकर शरीर धारण करती हो तो तुम्हारा भी नाम रखा जाता है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है। 84 जन्म तो चाहिए ना, 84 लाख नहीं होते। तो बाप समझाते हैं यही दुनिया सतयुग में नई थी, राइटियस थी, यही दुनिया फिर अनराइटियस बन जाती है। वह है सचखंड, सब सच बोलने वाले होते हैं। भारत को सचखंड कहा जाता है। झूठ खंड ही फिर सचखंड बनता है। सच्चा बाप ही आकर सचखंड बनाते हैं, उनको सच्चा पातशाह ट्रुथ कहा जाता है। यह ही झूठ खंड। मनुष्य जो कहते हैं वह है झूठ। सेंसिबल बुद्धि है देवताएं, बाबा कहे सेंसिबल बुद्धि है देवताएं, उन्हों को मनुष्य पूछते हैं। अकलमंद और बेअकल कहा जाता है। अकलमंद कौन बनाते हैं, फिर बेअकल कौन बनाते हैं, यह भी बाप बताते हैं। अकलमंद सर्वगुण संपन्न बनाने वाला है बाप, शिव बाबा है। वह खुद आकर अपना परिचय देते हैं। जैसे तुम आत्मा हो फिर यहां शरीर में प्रवेश कर पाठ बजाते हो, मैं भी एक ही बार इनमें प्रवेश करता हूं। तुम जानते हो वह है ही एक, उनको ही सर्वशक्तिमान कहा जाता है। दूसरा कोई मनुष्य नहीं जिसको हम सर्वशक्तिमान कहें। लक्ष्मी नारायण को भी नहीं कह सकते, क्योंकि उन्हों को भी शक्ति देने वाला कोई है। लक्ष्मी नारायण को भी शक्ति देने वाला कोई है। पतित मनुष्य में शक्ति हो न सके। आत्मा में जो शक्ति रहती है वह फिर आहिस्ते आहिस्ते डिग्रेड होती जाती है। अर्थात आत्मा में जो सतो प्रधान शक्ति थी वो तमो प्रधान शक्ति हो जाती है। जैसे मोटर का तेल खलास होने से मोटर खड़ी हो जाती है, ये बैटरी घड़ी घड़ी डिस्चार्ज नहीं होती है। उन बैटरियों की तरह नहीं है जो घड़ी घड़ी डिस्चार्ज हो जाए, इनको पूरा टाइम मिला हुआ है। कलयुग अंत में बैटरी ठंडी हो जाती है। पहले तो सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, अभी तमो प्रधान है तो ताकत कम हो गई है, शक्ति नहीं रही है, वर्थ नॉट अ पेनी बन जाते हैं। भारत में देवी देवता धर्म था तो वर्थ पाउंड थे। रिलीजन इज माइट कहा जाता है। देवता धर्म में ताकत है, विश्व के मालिक है। क्या ताकत थी? कोई लड़ने आदि की ताकत नहीं थी, किसी के साथ लड़ने की ताकत नहीं थी। ताकत मिलती है सर्वशक्तिमान बाप से। ताकत क्या चीज है? बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान है। विश्व के मालिक बदले क्या बन गए हैं? बाबा कहे विश्व के मालिक बदले विश्व के गुलाम बन गए हो। बाप समझाते हैं, ये 5 विकार रूपी रावण तुम्हारी सारी ताकत छीन लेते हैं, इसलिए भारतवासी कंगाल बन पड़े हैं। ऐसे मत समझो, साइंस वालों में बहुत ताकत है। कितनी अच्छी बात बाबा कहते, ऐसे मत समझो साइंस वालों में बहुत ताकत है। वह ताकत नहीं है। किसी को मारने की ताकत हो उसको ताकत नहीं कहेंगे, ये रूहानी ताकत है। शिव बाबा जो हमें देते हैं वो रूहानी ताकत देते, किसी से लड़ाई करने की
नहीं, जो सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाने से मिलती है। साइंस और साइलेंस की इस समय जैसे लड़ाई है। तुम साइलेंस में जाते हो, उनका तुमको बल मिलता है। साइलेंस में बैठते उनका ही बल मिल रहा है। साइलेंस का बल लेकर तुम साइलेंस दुनिया में चले जाते हैं, जाएंगे परमधाम, एकदम साइलेंस की दुनिया में चले जाएंगे। बाप को याद कर अपने को शरीर से डिटैच कर देते हो। भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए तुमने बहुत माथा मारा है। तरस आता है बाबा को भी कि तुमने बहुत माथा मारा है, परंतु नहीं जा सके। क्यों? क्योंकि बाबा कहे सर्वव्यापी कहने के कारण, सर्वव्यापी कहने के कारण रास्ता मिलता ही नहीं। तुम वो प्रधान बन गए हैं, तो ये पढ़ाई है, पढ़ाई को शक्ति नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं पहले तो पवित्र बनो, और फिर सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है उनकी नॉलेज समझो। नॉलेजफुल तो बाप ही है, इसमें शक्ति की बात नहीं। बच्चों को यह पता नहीं है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम एक्टर्स पार्टधारी हो ना, ये बेहद का ड्रामा है। आगे मनुष्य का नाटक चलता था, उसमें अदली बदली हो सकती थी। दुनिया के नाटक जो भी होते उसमें अदली बदली हो सकती है। अभी तो फिर बायोस्कोप बने हैं, बाप को भी बायोस्कोप का मिसाल दे समझाना सहज होता है। वो छोटा बायोस्कोप, यह है बड़ा। नाटक में एक्टर्स आदि को चेंज कर सकते हैं, यह तो अनादि ड्रामा है, इसमें चेंज नहीं हो सकती। एक बार जो शूट हुआ वह फिर बदल नहीं सकता है। ये सारी दुनिया बेहद का बायोस्कोप है। शक्ति की कोई बात ही नहीं। अंबा को शक्ति कहते हैं, परंतु फिर भी नाम तो है, उनको अंबा क्यों कहते हैं? क्या करके गई है? अभी तुम समझते हो कि ऊंच ते ऊंच है अंबा और लक्ष्मी, ऊंच ते ऊंच है अंबा और लक्ष्मी। अंबा ही फिर लक्ष्मी बनती है, यह भी तुम बच्चे ही समझते हो। तुम नॉलेजफुल भी बनते हो और तुमको पवित्रता भी सिखलाते हैं। वह पवित्रता आधा कल्प चलती है, फिर बाप ही आकर पवित्रता का रास्ता बताते हैं। उनको बुलाते ही इस समय के लिए है कि आकर रास्ता बताओ और फिर गाइड भी बनो। वह है परमात्मा। सुप्रीम की पढ़ाई से आत्मा सुप्रीम बनती है। सुप्रीम पवित्र को कहा जाता है। अभी तो पतित हो, बाप तो एवर पावन है, फर्क है ना। वह एवर पावन ही जब आकर सबको वर्षा दे और सिखलाए, इसमें खुद आकर बतलाते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूं। मुझे रथ तो जरूर चाहिए, नहीं तो आत्मा बोले कैसे। रथ भी मशहूर है, गाते हैं भाग्यशाली रथ। तो भाग्यशाली रथ है मनुष्य का, घोड़े गाड़ी की बात नहीं। भाग्यशाली रथ है मनुष्य का, इसमें घोड़े गाड़ी की बात ही नहीं। मनुष्य का ही रथ चाहिए, भगवान को भी मनुष्य का ही रथ चाहिए, जो मनुष्य को बैठ समझाए। उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी बैठ दिखा दी है। भाग्यशाली रथ मनुष्य को कहा जाता है। यहां तो कोई कोई जानवर की भी बहुत अच्छी सेवा होती है, जो मनुष्य की भी नहीं होती। कुत्ते को कितना प्यार करते हैं, घोड़े को, गाय को भी प्यार करते हैं। कुत्तों की एग्जीबिशन लगती है, ये सब वहां होते नहीं। लक्ष्मी नारायण कुत्ते पालते होंगे क्या? पूछते बाबा, लक्ष्मी नारायण कुत्ते पालते होंगे क्या? वहां जरूरत ही नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि इस समय के मनुष्य सब तमोप्रधान बुद्धि है,
उन्हें सतो प्रधान बनाना है। वहां तो घोड़े आदि ऐसे नहीं होते जो मनुष्य कोई उनकी सेवा करे। तो बाप समझाते हैं, तुम्हारी हालत देखो क्या हो गई है, घोड़ों की भी सेवा करनी पड़ती है। रावण ने यह हालत कर दी है, ये तुम्हारा दुश्मन है, परंतु तुमको पता नहीं है कि इस दुश्मन का जन्म कब होता है। शिव के जन्म का भी पता नहीं है तो रावण के जन्म का भी पता नहीं है। बाप बतलाते हैं, त्रेता के अंत और द्वापर के आदि में रावण आते हैं, उनको 10 शीश क्यों दिए हैं, हर वर्ष क्यों जलाते हैं, यह भी कोई जानते नहीं। अभी तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो, जो पढ़ते नहीं वह देवता बन न सके। वह फिर आएंगे तब जब रावण राज्य शुरू होगा। अभी तुम जानते हो हम देवता धर्म के थे, अब फिर सैपलिंग लग रहा है। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद तुमको आकर ऐसे पढ़ाता हूं। इस समय सारे सृष्टि का झाड़ पुराना है, नया जब था तो एक ही देवता धर्म था, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। बाप तुम्हें 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं, क्योंकि बाप नॉलेजफुल है ना, इसीलिए सारा हिसाब समझाया जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, साइलेंस का बल जमा करना है। साइलेंस बल से साइलेंस दुनिया में जाना है। बाप की याद से ताकत लेकर गुलामी से छूटना है, मालिक बनना है। दूसरी पॉइंट, सुप्रीम की पढ़ाई पढ़कर आत्मा को सुप्रीम बनाना है। पवित्रता के ही रास्ते पर चल पवित्र बनकर दूसरों को बनाना है, गाइड बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अलफ को जानने और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले विशेष आत्मा भव। अलफ को जानने और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले विशेष आत्मा भव। बाप दादा को खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, छोटा बच्चा है, युवा है या प्रवृत्ति वाला है, लेकिन विश्व के आगे विशेष है। हम बाबा को कितना नशा है। दुनिया में चाहे कोई कितने भी बड़े नेता हो, अभिनेता हो, वैज्ञानिक हो, लेकिन अलफ को नहीं जाना तो क्या जाना। आप निश्चय बुद्धि हो, फलक से कहते हो कि तुम ढूंढते रहो, हमने तो पा लिया। प्रवृत्ति में रहते पवित्रता के स्वधर्म को अपना लिया तो पवित्र आत्मा विशेष आत्मा बन गए। आज का स्लोगन है, जो सदा खुशहाल रहते हैं वही स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। जो सदा खुशहाल रहते हैं वही स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। स्वयं को भी लगते हैं और सर्व को भी लगते हैं। अच्छा, ओम शांति।